इसमें सभी पुलिस हफ्ता लेती है। पुलिस की हफ्ता वसूली से परेशान बार मालिक ने पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप। मानपड़ा का सीनियर 80 से 85,000 है और जो कलेक्शन करने आते उनका 10,000 है और जो ACP है DCP है अभी DCP का 25,000 की डिमांड चल रही है DCP की। पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर पूर्व पुलिस आयुक्त परमवीर सिंह द्वारा लगाए गए 100 करोड़ रुपए मांगने का मामला अभी ठंडा नहीं पड़ा था कि एक बार मालिक ने थाने जिले में डोंबिवली स्थित मानपड़ा पुलिस पर हफ्ते वसूली के गंभीर आरोप लगाए। डोंबिवली स्थित दावड़ी परिसर में ऑर्केस्ट्रा बार चलाने वाले इंद्रजीत सिंह सैनी ने बताया कि पिछले दिनों उसके बार पर मानपड़ा पुलिस ने छापा मारकर 5 लड़कियों सहित 5 ग्राहकों को हिरासत में लिया था। इसके बाद मानपड़ा पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक शरद बागड़े ने सैनी को पुलिस स्टेशन में अश्लील गालियां देते हुए उनके साथ मारपीट की। बार मालिक सैनी के अनुसार जब भी पुलिस स्टेशन में कोई नया अधिकारी आता है तो वह हफ्ता बढ़ाने के लिए इसी तरह की छापेमारी की जाती है, जबकि हर वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक को हर महीने 25,000 रुपए, ACP को 15,000 रुपए और पुलिस उपायुक्त को भी इसी तरह से हर महीने निश्चित रकम देनी पड़ती है। पेटा वाले उत्पादन शुल्क विभाग के अधिकारियों को भी नजराना देना पड़ता है। होटल व्यवसाय करने वाले तमाम लोग परेशान हैं। ऐसे में पुलिस की हफ्ता वसूली में होटल व्यवसाय की बंद करने की नौबत आ गई है। बार मालिक इंद्रजीत सिंह सैनी ने कहा कि मानपड़ा पुलिस की हद में 20 से भी अधिक ऑर्केस्ट्रा बार है। हर बार से हजारों रुपए प्रति बार हफ्ते लेने के बाद भी बार मालिकों को परेशान करना और नाहक छापेमारी करना कहां का इंसाफ है। ऐसे सभी होटल चल रहे यहां पे कल्याणशील रोड पे, उसी प्रकार मेरा होटल भी चल रहा था, लेकिन मेरे होटल में मैं 4 सिंगर्स रख के अपना ऑर्केस्ट्रा के हिसाब से चला रहा था, लेकिन मानपड़ा में नए सीनियर आ गए, इनकी डिमांड कुछ जरा ज़्यादा है पैसे की, वो मैं पूरी नहीं कर पाया। इसके लिए इन्होंने मेरे होटल में रेड की और मेरे होटल में रेड करने का कारण उनको सेक्शन बढ़ाना है। बाकी भी होटल है वहाँ पे जब रेड करते हैं तो सेटिंग करके ये लोग अपना कर लेते, लेकिन मेरे पास उस दिन सेटिंग के लिए भी पैसे नहीं थे क्योंकि कोरोना काल में बिजनेस एक तो पूरा ख़राब है, और तो इन्होंने रेड करने के बाद मेरे होटल से लड़कियां भी लेके गए, 4-5 लड़कियां मिली हैं, ज़्यादा कोई नहीं मिली है। बाकी होटल में 40-40 लड़कियां मिलती है, मेरे होटल में 4 ही लड़कियां मिली जो कानून के हिसाब से 4 रखनी अलाउड थी, लेकिन इन्होंने रेड करके उनको लेकर गए, उनको गाड़ी में बिठाया, लेडीज़ कॉन्स्टेबल कोई नहीं आई, मेरे गले से पैसे लेके गए और मेरा सारा सामान लेके गए, मेरा साउंड सिस्टम ले गए, मेरा एम्पलीफायर ले गए हैं, मेरा A to Z सामान ये लोग लेके गए। आपने आरोप लगाया है कि पुलिस वाले हफ्ते लेते हैं, कैसे कैसे कौन कौन हफ्ता लेता है? इसमें सभी पुलिस हफ्ता लेती है, मानपड़ा के A से लेके Z तक लेते हैं, यहाँ तक कि चाइनीज वालों से भी 500-500 रुपए बीट मार्शल वाले लेते हैं, चौहान है, जादव है, ये सब नाम के जो हैं, ये सभी हफ्ता लेते हैं। और होटल जिसको की लाइसेंस है, जो 15 लाख रुपए फीस भरता है, उसको 9:30-10 बजे तक का टाइम है और चाइनीज की गाड़ियों को ये लोग 1:30 बजे तक चलाने का अलाउड करते हैं हफ्ता लेके। कितना हफ्ता किसको इसको देते हैं? हम मानपड़ा का सीनियर 80 से 85,000 है और जो कलेक्शन करने आते हैं उनका 10,000 है और जो ACP है DCP है अभी DCP का 25,000 की डिमांड चल रही है DCP की, अभी 15,000 पे बार वाले बोल रहे 15,000, लेकिन उनका कोई कलेक्शन करने आता है संजय पाटिल वो 25,000 पे ही अड़ा हुआ है, और DCP और ACP का अलग है, ACP 15,000 ले रहे हैं अभी, उनके भी कलेक्शन करने आते हैं लोग। अभी आपकी मांग क्या है? अभी हमारी यही मांग है कि मुझे इन्होंने गाली क्यों दी, मुझे झापड़ क्यों मारा, जबकि मेरे पे केस करो ना, जो भी है आप मेरे पे कानूनी कार्रवाई करो, मुझे मारने का और गाली देने का हक इनको किसने दिया है? किस चीज़ का हफ्ता आप देते हो और किस चीज़ के ये लोग हफ्ते मांगते हैं आपसे? हाँ, ये लोग लेडीज़ बार चलाते हैं सब, इसके लिए हफ्ता देते हैं। एक्चुअली लेडीज़ बार अलाउड ही नहीं है, मेरा तो ऑर्केस्ट्रा का लाइसेंस है, उसमें तो परमिशन है मुझे 4 सिंगर रखने की। ये तो बाकी होटल्स जो भी हैं इस रोड पे 40 से 45 लड़की